नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं कुशाक टुडे लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 4 किलो डोडा चुरा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। सिवनी मालवा शहर में लंबे समय से मादक पदार्थ डोडा बेचे जाने की सूचना पुलिस को मिल रही थी, लेकिन रंगे हाथों आरोपी पकड़ने का मौका पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन चोर पुलिस के इस खेल में बाजी पुलिस के हाथ आ ही गई और मुखबिर से सटी सूचना थाने में पदस्थ SI विजेंद्र सिंह सोलंकी को मिली, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे उनके निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें विजेंद्र सोलंकी, शरद बर्डे, RC खातरकर, नरेंद्र पटने, दिलीप जाट, दुर्गा बिल्लोरे और अमर समर को शामिल कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिसके बाद मुखबिर के बतावे हुलिया वाली झकला रोड पर एक मोटरसाइकिल टीम के द्वारा रोकी गई और जब बाइक सवार संदेही अनिरुद्ध रघुवंशी और राम भरोस जाट से पूछताछ कर राम भरोस जाट के हाथ में रखे झोले में क्या है ये पूछा गया, तो उसने कहा कि अफीम पोस्ता डोडा चुरा है। जिसके बाद डोडा चुरा 4 किलो 300 ग्राम और बाइक जब्त कर NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि आरोपी राम भरोस जाट उम्र 62 वर्ष निवासी देवल मोहल्ला और अनिरुद्ध रघुवंशी उम्र 28 वर्ष निवासी झकलाय को न्यायालय में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। क्या मामला है, किस तरीके की कार्रवाई हुई है? कल रात्रि में लगभग 3:30 बजे एक मुखबिर से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मोटरसाइकिल में 2 लोग जो है एक थैले में जो है डोडा चूरा भर के झकलाय नाका तरफ जाने वाले हैं। सूचना पर मेरे द्वारा SDOP साहब को अवगत कराया गया। SDOP साहब चूँकि मुख्यालय में नहीं थे, विजिट में बाहर थे। सब इंस्पेक्टर सोलंकी, सब इंस्पेक्टर बर्डे, ASI पटने, ASI खातरकर और अन्य स्टाफ की मैंने टीम बनाई। मैंने उनको मॉनिटर किया और घेराबंदी की गई। झकलाय नाके के पास में मोटरसाइकिल समान MP05ML2708 से 2 लोग, एक का नाम है अनिरुद्ध रघुवंशी और एक का नाम है राम भरोस जाट, मोटरसाइकिल से जाते मिले। अनिरुद्ध रघुवंशी नाम का लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था, उसके पीछे राम भरोस बैठा था, उसके पास एक थैली थी। उस थैली की तलाशी ली गई, बाकायदा NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस देके उन्हें पूछा गया और तलाशी के दौरान 4 किलो 300 ग्राम NDPS में प्रतिबंधित मादक द्रव्य डोडा चूरा बरामद हुआ। विधिवत संपूर्ण कार्रवाई की गई है। आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर क्लिक करें।